नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। जोशीमठ में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को प्रशासन द्वारा सुरक्षित राहत शिविरों में रहने की व्यवस्था की गई है और जिला अधिकारी हिमांशु खुराना रात्रि में ही सवेरे राहत शिविर में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि कहीं कोई आवश्यकता है तो उसको तत्काल बहाल किया जा रहा है और प्रभावित परिवार प्रशासन कि इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। जिला अधिकारी ने कहा है कि प्रभावित परिवारों की आजीविका से लेकर रहने खाने में हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने सभी राहत शिविरों में हेल्पलाइन नंबर चस्पा कराने के साथ ही प्रभावित लोगों तक ही हर प्रकार के मदद पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कहा है कि कहीं पर कोई भी आवश्यकता हो बताएं, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। और इसके साथ ही जिला प्रशासन ने राहत शिविरों में कुकर्ड फूड से लेकर प्रभावित लोगों और जरूरतमंद लोगों को ड्राई राशन वितरित किया जा रहा है। व्यवस्था सुविधाओं के लिए मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। इसमें अभी आपदा प्रबंधन विभाग से हमें आदेश निर्गत हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद कि जो भी लोगों के घर अभी अनसेफ डिक्लेयर हुए हैं और रहने लायक नहीं बचे हैं, तो वो लोग अगर किराए पर रहना चाहते हैं कहीं पर, तो सरकार द्वारा उनको 6 माह के लिए 4,000 रुपये प्रति माह उनको एक सहायता की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो मेरा सभी जो प्रभावित लोग हैं उनसे अनुरोध है कि अगर कोई अगर किराए पर रह रहा है अपने खर्चे पर और उनका घर अभी आपदाग्रस्त है और भूदशाव के कारण प्रभावित है, तो वो इस सहायता धनराशि का लाभ ले। तो चमोली से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो रहे हैं परिवार, जिसको लेकर अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट भी है और इसी के साथ ही प्रभावित परिवारों की मदद भी की जा रही है। तो जिला प्रशासन ने राहत शिविरों में कुकर फूड से लेकर प्रभावित लोगों और जरूरतमंद लोगों को ड्राई राशन वितरित किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेडिकल टीमें भी तैनात की गई हैं। खबर पौड़ी से है। पौड़ी जिले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित राजस्व निरीक्षण पटवारी लेखपाल परीक्षा पौड़ी में ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए पौड़ी शहर में बनाए गए 8 परीक्षा केंद्रों में इस दौरान डीएम के निर्देशों के अनुसार धारा 144 लगी रही और इस दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के लिए नियुक्त सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों द्वारा व्यवस्थाओं का भी निगरानी बनाए रहे और आयोग की ओर से पौड़ी जिले में 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें पौड़ी में ही 8, श्रीनगर में 12, कोदावर में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और सभी केंद्रों में परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न करने को लेकर प्रशासन की ओर से पुलिस बल को तैनात किया गया था और सभी विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पूर्व ही परीक्षा कक्षों में भी बैठा दिया गया था। ग्यारह बजे से 1 बजे तक भी यहाँ पर कुल 280 पंजीकृत छात्र छात्राएं थे, जिसमें से 176 बच्चों ने यहाँ पर परीक्षा दी और 104 लोग यहाँ पर अनुपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्ण और नकल विहीन और बिना किसी विवाद के संपन्न। तो पौड़ी से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर संपन्न हो गई है पौड़ी शहर में पटवारी भर्ती परीक्षा जो चल रही थी वो संपन्न हो गई है और इसी के साथ बताया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही इस प्रशासन की ओर से पुलिस बल को भी यहाँ पर तैनात किया गया था। शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा जो है संपन्न हुई है। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले ही परीक्षा कक्षों में बैठा दिया गया था और सुरक्षा व्यवस्था के भी सभी इंतजाम यहाँ पर चौक चौबंद देखने को मिले हैं। लक्सर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 4 अन्य मोटरसाइकिलों को भी बरामद किया है और वहीं लक्सर कोतवाली में पुलिस क्षेत्र अधिकारी विवेक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हरिद्वार SSP
एसएससी द्वारा ही निर्देश जारी किए गए हैं, जिस पर लक्ष्य कोतवाल अमरजीत सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस की गठित टीम द्वारा ही चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की प्लेटिंग मोटरसाइकिल पर सवार दो आरोपियों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन पुलिस टीम को देख दोनों आरोपी भागने का प्रयास करने लगे और इस दौरान ही पुलिस की टीम ने मोटरसाइकिल पर सवार एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जबकि उसका एक अन्य साथी गन्ने के खेत का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने लक्ष्य ऋषिकेश और डोईवाला से चुराई गई एक अन्य मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि आरोपी शाहदाब ने पुलिस की पूछताछ में बताया है कि उसने अपने फरार साथी परवेश के साथ डोईवाला और ऋषिकेश में मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी शाहदाब को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और साथ ही फरार आरोपी की भी परवेश की तलाशी की जा रही है। कोतवाल साहब के नेतृत्व में एक अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक बाइक चोर गिरोह को पकड़ा गया है, जिससे अभी हमें 5 जो बाइकें हैं वो बरामद हुई हैं, जिसमें से 2 ऋषिकेश, 1 डोईवाला और 1 लक्सर क्षेत्र की है, और जो 5वीं बाइक है उसकी भी हम तस्दीक अभी कर रहे हैं और बाकी इससे वो भी पूछताछ कर रहे हैं। इसमें एक और अभियुक्त है जो फरार है और उसकी भी हम जल्दी गिरफ्तारी करेंगे और इस संबंध में आप सभी से यही अपील है कि अपने वाहनों का जो है सर्दी के टाइम में ध्यान भी रखें और ज़्यादातर जो बाइकें हैं उनमें से 1 प्लैटिना है और 4 स्प्लेंडर हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रवीण सैनी, हमारे सहयोगी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, चोर सहित चोरी की 5 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए और इसमें आरोपी फरार भी बताया जा रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल सुमन, बताना चाहूंगा कि लक्सर क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटनाएं थी, जो बाइक चोरी घटनाएं लगातार जोर पर थी और एसएसपी हरिद्वार द्वारा बाइक चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए थे और उसी के चलते लक्सर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर चेकिंग अभियान के दौरान एक प्लेटिना बाइक जो बिना नंबर की थी उसको रोकने का जो प्रयास किया गया है। तो एक आरोपी तो गन्ने के खेत में घुस गया और गन्ने के खेत का फायदा उठाकर वो कैसे फरार होगा, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें जानकारी सामने आई थी कि ये चोरी की घटनाएं काफी दिनों से चल रही थी, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। हाँ बिल्कुल बताना चाहूंगा सुमन की लक्सर क्षेत्र में लगातार लंबे समय से चोरी घटनाएं, जो बाइक की चोरी घटनाएं लगातार चल रही थी और उसी के चलते जो एसएसपी के दिशा निर्देश पर जो लक्सर पुलिस क्षेत्र का अधिकारी विवेक कुमार, उनके द्वारा ही पुलिस को निर्देश दिया गया था कि जो बाइक चोरी की घटनाएं इनको रोकने के लिए हर जगह चेकिंग अभियान चलाया जाए और उसी के चलते जो प्लेटिना बाइक पर 2 युवक थे उनमें एक युवक मौके से फरार होगा, दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसी की निशानदेही पर डोईवाला हो या ऋषिकेश हो या देहरादून की अलग अलग स्थानों जो बाइक चोरी गई थी उनमें से 4 बाइकों की बरामद किया गया है। जी प्रवीण, पुलिस काफी दिनों से इनकी तलाश भी कर रही थी और ये भी जानकारी सामने आई है कि इसमें कई बाइकें जो है वो भी बरामद की गई है। हाँ बिल्कुल, बताना चाहूंगा सुमन जैसे ही जो प्लेटिना बाइक जो सवार थे इनसे पहले से ये बाइक लक्सर पुलिस चेकिंग के दौरान ही इनके कब्जे से बरामद कर ली थी और जो इनकी निशानदेही थी, इनकी निशानदेही पर ऋषिकेश और गोईवाला से जो 4 बाइकें चोरी की गई थी उनको भी इन्हीं निशानदेही पर बरामद किया गया और जो इसमें मुख्य आरोपी है वो मौके से फरार हुआ था उसकी भी तलाश की जा रही है और लगातार पुलिस उसके ठिकानों पर दावे दे रही, लेकिन अभी तक वो भी पुलिस के हत्या नहीं करता। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि जो आरोपी फरार है उसके जहां जहां भी उसके ठिकाने उन पर लगातार दावे जाएगी और जल्दी इसको गिरफ्तार कर तलाकू पीछे भेजने का काम किया जाएगा। जी प्रवीण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो लक्सर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और इसके साथ ही चोर सहित चोरी की 5 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश के बाद जनपद हरिद्वार में नशे के विरुद्ध पुलिस सख्ती के साथ अभियान चला रही है और उसके साथ ही महिला सशक्तिकरण और नशे के विरुद्ध पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान को साकार करने के लिए पुलिस प्रशासन गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन कॉलेज और स्कूलों में जाकर छात्राओं को भी जागरूक कर रही है। और मंगलोर कोतवाली निरीक्षक मनोज मेनवाल ने राजकीय डिग्री कॉलेज मंगलोर में पहुंचकर छात्राओं को आसपास
होने वाली घटनाओं के बारे में जागरूक करने और सोशल क्राइम से बचने के बारे में छात्राओं को जागरूक किया है। आपको बताते चले कि कोतवाल प्रभारी मनोज मेनवाल ने बताया है कि छात्राओं को जागरूक करने के लिए कॉलेज और स्कूलों में जाकर उनके आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जागरूक किया गया है और प्रदेश सरकार द्वारा ही संचालित गोरा ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई है और साथ ही उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी अपील की गई है। सड़क दुर्घटना के समय घायल की मदद करना बहुत जरूरी है और सही समय पर अगर घायल की मदद हो जाए तो घायल की जान बचने के चांस भी होते हैं। मैं ये राजकीय महाविद्यालय मंगलोर में आऊँ और बच्चों के साथ एक वार्तालाप, यहाँ विभिन्न जो चल रहे हैं लीगल लिटरेसी है, हमारे उत्तराखंड पुलिस की भी जो मुहिम चल रही है नशे के ऊपर, साइबर के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर और गोरा शक्ति ऐप इत्यादि के ऊपर, तो उसी के एक मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ था और बहुत अच्छा ये सेशन रहा। इसमें बहुत मोटिवेशन हमें भी मिला कि हमें भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो, क्योंकि बच्चा एक ऐसी यूनिट है, अगर वो संभल गया तो पता नहीं कितना वो संभालेगा। मामला महरौनी थाना अंतर्गत ग्राम सिंगेपुर का है, जहां पर 70 वर्षीय वृद्ध महिला अपने ही घर के दलान में सो रही थी और लगभग सुबह 5 बजे आवारा कुत्ते ने वृद्ध महिला को अपना निशाना बना लिया, बुरी तरह से नोचने लगा और महिला की चीख पुकार सुनकर वृद्ध महिला की बेटी और बहू तुरंत बाहर आई और आवारा कुत्ते को वहां से भगाया, लेकिन तब तक आवारा कुत्ता इस वृद्ध महिला को बुरी तरह से अपना निशाना बना चुका था। महिला को आनंद फानंद में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, वृद्ध महिला पर आवारा कुत्ते ने हमला किया है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। मैं बता दूं आपको कि यह मामला जो है महरौनी थाना के सलैयापुरा महरौनी का है और यहाँ पर जो है ये 70 वर्षीय महिला जो है सलैयाबाई जो है सिंगापुर का ये मामला, सलैयाबाई जो है अपने दालान में सो रही थी और जो है सुबह 5 बजे तकरीबन एक आवारा कुत्ता आता है और इसको जो है अपना निशाना बना लेता है। क्योंकि महिला पूरी तरह से कपड़ों से ढकी हुई थी लेकिन आवारा कुत्ता जो है निशाना बनाने की फिराक में ही था और जो है उसने पूरी तरीके से महिला का मुंह नोच लिया, आंखों में और सिर में कई जगह जो है गंभीर घाव जो है उसके शरीर में आए हैं, जिसको आनंद फानंद में एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय लाया गया जहां पर डॉक्टर उसका उपचार कर रहे हैं। जी इमरान, महिला की हालत अभी किस कदर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है महिला और उनकी हालत नाजुक है क्या? जी जी जी, महिला की हालत जो है अति गंभीर है, क्योंकि महिला वृद्ध है, 70 वर्षीय महिला है जो की बेड रेस्ट पे थी और महिला जो है चलने फिरने में नासूर थी और महिला जो है बिल्कुल जो है हालत उसकी गंभीर है और खबर जो है लेके जाने तक जब तक डॉक्टरों ने उसको मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया था। जी इमरान, परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी परिजनों का कहना है कि जो है इनका कोई देखरेख करने वाला भी नहीं है, क्योंकि इनके 7 पुत्र हैं, हम आपको बता दें, और 7 पुत्र में से 3 पुत्र जो है इनके एक्सपायर हो गए और 4 पुत्र जो है बाहर दूसरे शहरों में जो है मजदूरी करने के लिए जाते हैं। एक बहू और एक बेटी इनके साथ रहती थी जिन्होंने आनंद फानंद में जो है उस कुत्ते को भगाया सुबह और उसको जिला चिकित्सालय लेके आई है। बिल्कुल इमरान, देखिए जिस तरह से घटनाएं सामने आती हैं, आवारा जो कुत्ते हैं, आवारा जानवर हैं, वो लगातार बच्चों और बुजुर्गों को अपना निशाना बना लेते हैं, तो इसकी रोकथाम को लेकर अभी तक कोई कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं नहीं, जिला प्रशासन की तरफ से इनकी रोकथाम के लिए कोई आवश्यक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और जो है लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। अब देखने वाली बात है कि क्योंकि यह प्रकरण एक गंभीर प्रकरण है, इसमें देखना है कि जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। जी इमरान, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। ललितपुर से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर वृद्ध महिला को बुरी तरह से आवारा कुत्ते ने जख्मी कर दिया है। बताया जा रहा है कि महिला अब अस्पताल में भर्ती है और इसके साथ ये भी जानकारी सामने आई है कि आवारा कुत्तों का वहां पर आतंक देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। आवारा कुत्ते लगातार बच्चों बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहे हैं, जिसकी चपेट में बुजुर्ग और बच्चे आ जाते हैं और उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है।
झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर ने रविवार को इमरजेंसी का निरीक्षण किया और मरीजों को मिलने वाले कंबल के सवाल के बाद ही नर्स के बेतु का जवाब दिया है। और आपको बता दें कि इस पर प्रिंसिपल विफर पड़े और नर्स का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दे दिए। वहीं गुटखा थूकने वालों पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। अब से गुटखा थूकने हुए पकड़े जाने पर ही ₹50 जुर्माना वसूला जाएगा। और वहीं इमरजेंसी में रखे डस्टबिन गंदे देखरेख और प्रिंसिपल ने नाराजगी इस पर जताई है। ठेकेदार को चेतावनी देकर कहा गया है कि अगर साफ सफाई में कोताही बरती गई तो ठेकेदार पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। अचानक प्रिंसिपल के इमरजेंसी में पहुंचने पर खलबली मच गई और तुरंत साफ सफाई होने लगी और बेडशीट भी बिछाई गई है। मेडिकल कॉलेज में मरीजों के साथ आने वाले परिजन जगह जगह गुटखा थूक देते हैं और इससे पूरे परिसर में जगह जगह लाल दाग बने हुए हैं। इससे मेडिकल कॉलेज प्रबंधक परेशान है। प्रिंसिपल डॉक्टर सेंगर ने कहा है कि अब से गुटखा थूकने वालों पर ₹50 का जुर्माना लगाया जाएगा। इमरजेंसी में रोजाना 100 लोगों का जुर्माना लगाने का टारगेट दिया गया है। इसके अलावा वार्ड और ओपीडी में भी जुर्माना किया जाएगा। बता दें आपको कि प्रिंसिपल ने सुरक्षा कर्मियों और डॉक्टरों को निर्मता पूर्वक कार्रवाई करने के भी निर्देश दे दिए हैं। तो झांसी से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी का प्रिंसिपल ने निरीक्षण किया है। बताया जा रहा है निरीक्षण के दौरान ही उन्हें कई लापरवाहियां वहां पर साफ तौर पर देखने को मिली है। उन्होंने इसको लेकर सख्ती से आदेश भी दे दिया है। बता दें आपको कि जो मरीजों के साथ परिजन आते हैं वो इधर उधर गुटखा थूक देते हैं खाकर, जिसके चलते वहाँ पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है, जिससे मरीजों को भी परेशानी हो रही है, डॉक्टरों को भी वहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद प्रिंसिपल ने अहम कदम उठाते हुए अब जुर्माना वसूलने की नसीहत दे दी है। रेल प्रशासन ने रविवार को जिले के तुलसीपुर रेलवे स्टेशन और उसके आसपास हुए अतिक्रमणियों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया है। रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से ही बनाई गई दुकानों पर बुलडोजर चलने से लोगों में अफरा तफरी मच गई है और कई दिनों पहले दिए गए नोटिस के बावजूद अतिक्रमण समय से ना हटाने पर रेल प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जेदारों में दहशत है। अपर सीनियर सेक्शन इंजीनियर SN द्विवेदी और इसके साथ ही गुरदेश कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाकर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाई गई दुकानों को तोड़ दिया गया और इसके बाद टीम लाल चौराहा पहुंची और वहां पर भी दर्जनों दुकानों को तोड़ा गया। तकरीबन 2 किलोमीटर के इलाके में रेलवे प्रशासन का बुलडोजर खूब गरजा और रेलवे प्रशासन ने हरैया तिरहा से रेलवे क्रॉसिंग से लेकर लाल चौराहे तक रेलवे लाइन के पास बनाए गए सभी तरह के अतिक्रमण को हटवा दिया और इस दौरान स्थानीय प्रशासन के साथ साथ रेलवे का सुरक्षा बल भी मौजूद रहा। और इसी खबर पर हमारे साथ योगेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, अतिक्रमणियों के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, मैं इस समय तुलसीपुर में हूँ और ये जो है जो इलाका है रेलवे स्टेशन से लेकर नई बाजार क्रॉसिंग से लेकर और हरिया तिराहा के पास क्रॉसिंग और जुगलीपुर गांव तक जो देवीपाटन के पास पड़ता है, वहां पर पूरी तरह से रेलवे प्रशासन ने इस सड़क अपने रेल लाइन के दाईं तरफ जो है अतिक्रमण को खाली करवाया है। बताया जाता है कि अतिक्रमण तकरीबन 50-60 सालों से जो है लोगों ने कर रखा था और इसे खाली कराया गया है, जबकि सड़क जो बनी हुई है हरे लाल चौराहे से लेकर और हरे देवीपाटन तक और उसके आगे जो सड़क जाती है उसके भी दोनों तरफ जो है अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा है। वहां पर पक्के मकान और दुकान संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही कुछ मकानों में तो बैंक वगैरह भी संचालित किए जा रहे हैं, सरकारी अधिष्ठान भी संचालित किए जा रहे हैं। तो इस तरह से अवैध कब्जेदारों ने जो है कब्जा कर रखा है, लेकिन प्रशासन ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। रेल प्रशासन ने बताया जाता है कि रेल प्रशासन ने कुछ दिनों पहले इन जो टीन और छप्पर के जरिए जो है अपना आजीविका चला रहे थे उन्होंने जो है नोटिस दिया था रेलवे प्रशासन ने और उनसे ये पूरा जो है इलाका खाली करने के लिए कहा गया था। वहीं दूसरी तरफ इन जिन लोगों का जो है खाली करवाया गया है मकान या दुकान या तोड़ा गया है, तो उन लोगों ने ये आरोप भी लगाया रेल प्रशासन पर कि जिनका जो है पक्का मकान बना हुआ है वो लोग उन मकानों को नहीं तोड़ा जा रहा है, जबकि गरीबों के जो मकान है केवल उन्हें ही तोड़ दिया गया है। खैर, लेकिन रेलवे प्रशासन ने इस दौरान जो कल जो है पूरा एनक्रोचमेंट अभियान को हटाने के लिए जो अभियान चला
उसको लेकर जो है लगभग 150 दुकानों को जो है तोड़ा गया है और इस तरह से जो है कार्रवाई की गई है। अब चौराहा थोड़ा सा साफ नजर आने लगा है, लेकिन सवाल यही है कि अगर जो कच्चे निर्माण थे उन्हें तोड़ा जा सकता है या जो अस्थायी निर्माण थे उन्हें तोड़ा जा सकता है, तो जो पक्के निर्माण है उन्हें तोड़ने में रेल प्रशासन या जिला प्रशासन की को पसीना क्यों आ रहा है? अगर कानून है तो सबके लिए समान है और कानून एक के लिए अगर है तो सबके लिए है, इस बात की कहीं ना कहीं जो है कमी इस पूरे अभियान के दौरान नजर आई है। जी बिल्कुल योगेंद्र, आप सही कह रहे हैं, कानून सबके लिए बराबर है और देखा जाए अगर योगेंद्र तो ये काफी समय से विकसित हो रही थी कॉलोनियां यहाँ पर, तो अभी तक ध्यान नहीं दिया गया क्या? देखिए अभी हल्द्वानी का मामला चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उत्तराखंड सरकार और रेल प्रशासन को फटकार लगाई है। अब अगर आप बलरामपुर के नजरिए से देखें, यहाँ का जो तुलसीपुर इलाका है लगभग मुझे लगता है कि ये कुछ 1.5 से 2 हेक्टेयर जमीन पर जो है सड़क के दोनों किनारे जो है कब्जा हो रखा होगा, या एक किनारे को ही अगर मान लिया जाए तो 1.5 से 2 हेक्टेयर जमीन होगी, दोनों किनारों को माना जाएगा तो और ज्यादा निकलेगी। तो इस तरह से रेल प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, जिनका कच्चा मकान था या जिनका कच्चा दुकान था या जिन्होंने 3 छप्पर के साथ जो है मकानों को या दुकानों को या इस तरह से बना रखा था उनके मकानों दुकानों को तो उजाड़ दिया गया, लेकिन जो अन्य दुकान या मकान थे जो पक्के तौर पे बने हुए हैं जिनमें सरकारी संस्थाएं भी संचालित होती हैं उन्हें जो है हटाने की कवायद नहीं शुरू की गई। जब मैंने खुद जो है एक अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर मुकदमा चल रहा है। तो रेल प्रशासन, सवाल यही उठता है रेल प्रशासन और जिला प्रशासन इन मुकदमों में तेजी से पैरवी क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर भाई आपको हटवाना है, अतिक्रमण हटवाना है, तो आप सभी तरह के अतिक्रमण को हटवाएंगे, ना कि गरीबों का अतिक्रमण पहले हटवा देंगे और अमीरों का अतिक्रमण 10-20-50 साल बाद हटवाएंगे। जी 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 योगेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। बलरामपुर से खबर बता रहे थे जहाँ पर अतिक्रमणियों के विरुद्ध यह अभियान छेड़ा गया है और बताया जा रहा है कार्रवाई से अवैध कब्जेदारों में अब दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां की पुलिस ने साइबर क्राइम के माध्यम से धन वसूलने वाले 2 अभियुक्तों को भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भक्तों पर आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक द्वारा 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने तुलसीपुर थाना के शेख डी सुखरामपुर निवासी सफाई कर्मी की न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूले थे, जिसके दबाव में सफाई कर्मी ने आत्महत्या का प्रयास किया और मौत हो गई थी। सफाई कर्मी के परिजनों महाराजगंज तराई थाना में ही इस बात की FIR दर्ज कराई थी और पुलिस को मिली इस सफलता के बाद जिले में बढ़ते साइबर अपराध की घटनाओं पर न केवल लगाम लग सकेगा बल्कि इस तरह की घटनाओं से परेशान होकर मौत को गले लगाने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आ सकेगी। बताया जाता है कि साइबर अपराधी लगातार सफाई कर्मी को उसकी न्यूड वीडियो के माध्यम से धन उगाही कर रहे थे और इस वजह से ही इसकत खान पुत्र सैयद हुसैन ने आजीज और परेशान हो गया और इसके बाद ही मौत हो गई और इसका शव महाराजगंज तराई थाना अंतर्गत प्राप्त हुआ था। पुलिस अधीक्षक राजेश सक्सेना ने दोनों अभियुक्तों पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। यह इनाम अब पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं योगेंद्र त्रिपाठी। योगेंद्र, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए ये इस्तखाम पुत्र सैयद हुसैन है जिनकी जो है मौत हो गई थी महाराजगंज तराई थाना के अंतर्गत एक जगह पे। इनके परिजनों ने तहरीर देते हुए थाने में आरोप ये लगाया था कि जो है साइबर अपराधियों द्वारा इनसे ठगी की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा था और ये कई महीने से उन्हें पैसे भेज रहे थे, उनके अकाउंट में पैसे भेज रहे थे और जो ये बहुत परेशान थे। वजह ये थी कि साइबर अपराधियों ने इन्हें पहले वीडियो कॉल किया, फिर इनका और एक महिला के साथ न्यूड फोटोज और वीडियोज बना लिए जिसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इस वजह से वो बेचारे बहुत परेशान थे और उनकी मौत हो गई थी हार्ट अटैक होने की वजह से। अब जब परिजनों ने इसमें तहरीर दी तो पता ये चला कि जो है जो ये पूरा मामला है ये भरतपुर राजस्थान से जुड़ा हुआ और इनकी पूरी गैंग है जो इस तरीके से काम करती है और न्यूड फोटोज और वीडियो कॉल्स के माध्यम से लड़कियों की DP लगाकर जो है लोगों को ये ठगी का शिकार बनाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो उन्हें जो है वायरल हो जाने की धमकी देते हैं।
तो इस पर जो है पुलिस अधीक्षक ने टीमों का गठन किया, सर्विलांस सेल, साइबर क्राइम सेल, और इन टीमों के गठन के बाद जो है इन लोगों ने जब काम करना शुरू किया तो डेटा के अनुसार जो पुलिस को उपलब्ध करवाया गया था उसमें मुस्ताक खां पुत्र शरीफ मोहम्मद निवासी मोहल्ला सिकरी रोड थाना नगर जिला भरतपुर व शाहरुख खां पुत्र हामिद खां निवासी धनमतपुरा थाना नगर भरतपुर के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस अधीक्षक ने जो है इस मामले का जब कल खुलासा किया, जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं कहीं पर तो जो है इससे जो है डरे ना लोग और ये आके सूचना दें पुलिस कार्यालय में या साइबर थाने में या अन्य जगहों पर या अपने थाने में, स्थानीय थाने में, क्योंकि हर थाने में साइबर सेल का गठन किया गया है, तो वहां पर जाकर सूचना दें जिससे जो है इस तरह के अपराधों को रोका जा सके। किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई भी अपराधी इस तरह की घटनाओं को अंजाम ऐसे ही देता रहेगा और आप लोग अगर इस तरह से करते रहेंगे तो आपका ही नुकसान है। तो पुलिस अधीक्षक द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है और यहाँ पर दो मुलजिमों को पकड़ा भी गया, उन्हें जेल भेज दिया गया है न्यायालय में पेश करने के बाद। आगे की कार्रवाई और आगे अन्य मुकदमों में भी इस तरह से पड़ताल जारी है। जी जी तो आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जहां पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस लगातार इन अभियुक्तों की तलाश कर रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।